अभी 2,500 2,000 साल हुए उन दोनों धर्मों को तो पैदा हुए, वो तो एक क्षण का पैदा हुआ बच्चा है हमारे धर्म के सामने, जोर लगा लिया नहीं रुका, यहां तक आ गया। अब जब लोगों ने कहा गुरुजी ये देश तो इतना गुलाम रहा है कि पश्चिम के विचार भी उधार लिए बैठा है, एक दफे न्यूयॉर्क से हाथ लगा के आ जाओ तो ये देश मान जाएगा। कई दिन मेरे नहीं चचे, आखिर मेरे को भी फैसला करना पड़ा कि अब तो उनसे उनके बिना पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैज्ञानिक इस बात को सच्चाई से ले रहे मां को। अभी एक अमेरिका से आया था, एक बाप अपने लड़के को कैंसर के पेशेंट को लेके, और 3 तारीख को यहां दीक्षा ली थी, उसने मेरा वेबसाइट देखा तो देखते ही उसको एक अंदर से बहुत तेज आवाज आई कि तेरा बेटा तो इसके पास जाएगा तो ठीक होगा नहीं तो मरेगा। इमीडिएटली वो उसको पता ही नहीं था वीजा कैसे लेते हैं, बेचारा ले लाके भगा यहां आया, कीमोथेरेपी देते हैं कीमोथेरेपी देते हैं। यहां मैंने कई केस दिखाए कीमोथेरेपी वाले जिनको 15-15 महीने से 7 साल से कीमोथेरेपी बंद है, तो उन्होंने कहा कि कीमोथेरेपी 6 वीक नहीं दे तो पेशेंट मर जाता है, ये हमारी साइंस कहती है। और मैंने कहा 6 वीक के अंदर अंदर दे दे तो कहने का 6 साल जिएगा, और मैंने कहा कीमोथेरेपी देने के बाद में वो आदमी काम करेगा, कहने लग जी हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकलेगा। तब मैं क्या उसको मार क्यों रहे हो, 6 वीक में जाने दो ना, परेशान क्यों कर रहे हो। जब उस लड़के ने रिजल्ट देखे तो उसने वहां जाके इनकार कर दिया, मैं तो कीमोथेरेपी नहीं लूंगा, मर रहे तो मेरे को आराम से। अब हलचल मच गई अमेरिका में, तो कई ब्लड कैंसर ठीक हो गए, एड्स तो पता नहीं हजारों ठीक हो गए। भारत सरकार ने नहीं सुना, मैंने वेस्ट के मीडिया को दे दिया, CNN को दी पूरी कॉपी, 400 आदमियों की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिपोर्ट रैनबैग सीखी, हल्ला मच गया, पूछा ये क्या हो गया, ये प्रैक्टिकेबल है तो क्या। मैंने कहा आपकी लेबोरेटरी क्या करी। अब वो दिल्ली के आदमी से इंक्वायरी की, उन्होंने कहा जी हमने तो आज 6 महीने हो गए दवाई छोड़े को, एड्स थी ये रिपोर्ट है और अब ये रिपोर्ट है। अब उन्होंने कहा नहीं, पूरे देश में जो आदमी एक केरला को छोड़ के पूरे देश के मेरे शिष्य एड्स के, आपको ताज्जुब होगा, बॉम्बे में 1,000 आदमी, पिछले सावन दो थे मैं दोनों महीने वही था 2 अगस्त। तो अब उनको परेशानी है, कैंसर ठीक हुआ कोई नहीं बोला, गठिया वठिया सब शुरू से ठीक हो रहे, मगर जो ही एड्स ठीक हुआ चिल्ला गए, क्योंकि लूट रहे एड्स के नाम से और रोकना कोई नहीं चाहता, स्प्रेड नहीं करे, यहां तक तो सहमत है गवर्नमेंट भी, अगर खत्म हो गई तो फिर अवेयरनेस के लिए जो करोड़ों डॉलर आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। ये धन सत्ता पर बैठे धन लोलुप्त लोग लाखों आदमी को मरवा रहे हैं, समझे, और जिंदी मक्खी निकल रहे हैं, सबको मालूम है, गोविंदाचार्य को मालूम है कि किस किस आदमी के एड्स ठीक हुआ, बाई नेम जानता है, मगर आज भी नहीं बोलता हूं। उनको राज चाहिए, और जिंदे राम मर रहे हैं उनकी कोई परवाह नहीं करता। तो ये सिद्ध योग ऐसा योग है जो आपके अंदर जो चेतन सत्ता बैठी है वो करवाती है। ये रामदेव जी स्वामी रामदेव जी करवा रहे, ये तो बाहर से कहते हैं ये आसन लगाओ के ऐसा योग करो के ऐसा मोड़ो के ऐसा मोड़ो। अब आदमी की जरूरत कैसे समझेगा वो कि इसको क्या जरूरत है। हर आदमी अपने अपने प्रारब्ध लेके आता है, तो जिसको जो चीज की जरूरत नहीं वो ही करवा देते हैं, वो फिट नहीं होता तब फिर मामला गड़बड़ होता है। और खास तौर से मैं जो उसको देख रहा हूं कि जो प्राणायाम करवाया जा रहा है ना वो बहुत नुकसान पैदा करेगा, लंग्स के साथ छेड़छाड़ बहुत खतरनाक साबित होगी, आपको टाइम बताएगा क्या होगा, समझे। मगर ठीक है भैया, पूंजीपतियों का
स्पॉन्सर किया हुआ है। मैं बताऊं, मुझे जानकारी है कि कौन पीछे से किसको स्पॉन्सर कर रहा है। बॉम्बे में मेरा प्रोग्राम था पिछले साल, तो सीआईडी वाले पीछे पड़ गए, पता लगाओ इसका स्पॉन्सर करने वाला कौन है। सीआईडी वाला आया, पता लगाया, कहा जी ये तो दो चार आदमी नौकरी पेशा है वो ही करवा रहे हैं, और जो एड्स से ठीक हो जाता है वो अपनी तरफ से करवा रहा है। तो ये इतना सीरियस मामला है, मगर इस देश की सरकारें नहीं दे रही है। जब मैंने प्रचार शुरू किया, मेरे शिष्यों, पिछले जन्मदिन की बात है, मैंने मेरे शिष्यों कहा भाई सिद्ध योग के लिए अवेयरनेस फैलाओ दुनिया, हम भारत में, कि भाई अवेयरनेस तो बचने के लिए फैला रहे हैं, हम कह रहे हैं क्योरेबल है और सिद्ध योग से क्योर हो सकता है। अवेयरनेस फैलानी शुरू कर दी, सरकारें घबरा गई, बीकानेर मेरे खिलाफ FIR कर दी थाने नए से थाने। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, और मैंने बंद कर दिया प्रोग्राम, 5 महीने बंद रखा। पुलिस ने FIR दे दी कि झूठ है, FIR झूठ है, FIR झूठ है, अखबारों ने साफ दी मेरी फोटो सहित संत सियाव के खिलाफ की हुई FIR झूठी साबित हो गई। मैंने सारा मैटर दे दिया पुलिस को, छापा मारने आए, मैंने कहा ले जाओ ये जो चोरी कर रहा हूँ, ये डाका डाल रहा हूँ, ये देख लो। मैंने ऐलान किया था कि अगर गवर्नमेंट सहयोग करेंगे साल भर में एड्स भारत का खत्म हो सकता, तो 5 महीने उन्होंने रुकवा दिया। तभी तो 5 महीने तो मेरे पास हाथ में है ना, क्या होता है देखते जाइए 5 महीने में। अब वेस्ट में आग लग चुकी है, वो सारे के सारे केस, वो फार्मेसिस्ट जो आया था उसने कहा कि 100 डॉक्टर मेरे परिचित है, और मेरे लड़के जैसे 20 केस तो आज भी है कि कल मरू कोई आज मरू, वो सभी आने वाले हैं। भारत सरकार बोले नहीं बोले मुझे कोई चिंता नहीं है, मगर ये विकासवाद जो हमारा है ये मूर्त रूप ले रहा है, ये रुकेगा नहीं, ये मानवीय व्यवस्था नहीं है, ये ईश्वरीय व्यवस्था है। आप महर्षि अरविंद का एक पहला स्पीच है जेल से निकलने के बाद, उत्तरपाड़ा स्पीच, उसको आप पढ़ोगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। कृष्ण की इच्छा है कि ये धर्म विश्व धर्म हो। अभी पागीदार जी यहां आए थे, ये बॉम्बे के हैं, मैंने बॉम्बे में इनको कहा तो उन्होंने कहा गुरु जी ये धर्म तो इतना डूब चुका है कि इसको बचाने वाला भी डूबेगा। मैंने कहा यह स्थिति सही है। फिर मैंने उत्तरपाड़ा स्पीच दे दिया अरविंद का, तब उन्होंने कहा कि अब इस देश को, इस धर्म को कोई भी नहीं दबा सकता। तो कृष्ण की इच्छा कि ये देश, ये धर्म विश्व धर्म हो, इसका प्रचार पूरे संसार में हो इस ज्ञान का। उत्तरपाड़ा स्पीच में अरविंद ने कहा, अरविंद को कहा कृष्ण ने ध्यान की स्थिति में कि मैं इस देश का उत्थान कर रहा हूं, इसको ऊपर उठा रहा हूं ताकि मेरी वाणी का संदेश पूरे संसार को ये देश फैलावे। तो अब ये विस्तार होगा, अब सिद्ध योग, मैं जो नाम बताता हूं झपड़े को, उस नाम जब से साधक की कुंडलिनी जाग जाती है, और कुंडलिनी जागते ही वो साधक का शरीर, प्राण, मन और अपनी बुद्धि और अपने कंट्रोल में कर लेती है, और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है, साधक उसको रोक नहीं सकता। अब यहां आके लड़खड़ा गया विज्ञान, वो कहता है बिना प्रयास के। मैंने कहा आप रोकना चाहो तो नहीं रोक सको, आ जाओ मैदान में। तो इस प्रकार जो योग हो रहा है उससे सारे शारीरिक रोग खत्म हो रहे हैं, चाहे साइंस ने उसको इनक्योरेबल कह दिया। वही योग होगा जिसकी आपको जरूरत है, वो तो बिना जरूरत के करवा रहे हैं बाहर वाले। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो तो कुंडलिनी योग करवाएगी। कुंडलिनी जागृत होते ही वो आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेगी, और पहले आपका आसन बदलेगा, आपको किस आसन में बैठना है, उसके बाद में बंद लगेंगे, 3 बंद लगते हैं। मैंने कई दफे कहा है कि हमारा धर्म पूर्ण साइंटिफिक धर्म है, विज्ञान वाले जवाब क्यों नहीं देते। आपने देखा रॉकेट जाते ऊपर,
तो नीचे स्पार्क होता है एनर्जी का, उससे ऊपर उठते हैं। और कुंडलिनी रीड कर दी कि आखिर इसे मैं 3.5 घंटे लगा के सो रही है, वो जब जागृत हो जाएगी तो ऊपर कैसे उठे। साइंटिफिक ढंग से उसको कोई नीचे से पुश करेगा, धक्का देगा, तो ऊपर उठेगी। तो योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। हर एक वायु का अलग अलग शरीर में काम होता है। प्राण वायु हम सांस लेते हैं, अपान वायु जो है नाभि से नीचे के डिस्चार्ज को फेंकता है, नीचे फेंकता है। और कुंडली या रीढ़ की हड्डी आखिर इसे में, जब तक वो अपान वायु ऊपर नहीं उठेगा, कुंडली ऊपर नहीं उठेगी, तब फिर वो कुंडली आपके 3 बंद लगाती है। पहला बंद लगेगा आपका मूलाधार में, अब अपान वायु ऊपर नहीं जा सकेगा, वायु का काम होता चलना, तब फिर ऊपर उठेगा, उसके सारे कुंडली ऊपर उठे। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग कह आधा लय में मिलावा, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता ना अंग। अभी आप मन ही मन अंग जपो तो यहां स्ट्रोक लगेगा अंग, तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। अब कैसे छूटे नाम रट लागे, तो किसी बीमारी से ग्रसित हो इससे ठीक हो जाओगे आप। अब जितने भी ले जा रहे हो ना, आप मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे, आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग कह आधा लय में मिलावा, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता ना अंग। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है, तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले
निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपाद दीक्षा के लिए जय गुरुदेव। अब सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया अपना कैमरा ऑन कर ले और ध्यान में प्रवेश करें। हम लोग अब 15 मिनट के लिए गुरुदेव का ध्यान करेंगे। जय गुरुदेव। जय दादा गुरु।
जय गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ, सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया ध्यान से बाहर आए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय भगवान श्री कल्कि की जय। तब मैं पीके सिंह गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव, जय दादा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्कि भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी विजय पताका पूरे विश्व में इसी शान और उल्लास के साथ फहराए, यही हमारी कामना है, यही हमारे सभी भक्तों की कामना है। सिद्ध योग का परचम पूरे देश में जन जन तक पहुंचे। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में आप सभी बच्चों का हृदय से स्वागत है, आभार और अभिनंदन है। ये कार्यक्रम निरंतर हर रविवार को सुबह 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच चलता है गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि गुरुदेव ही चलाने वाले हैं, गुरुदेव ही संचालित करते हैं, गुरुदेव ही बोलते हैं, गुरुदेव ही बुलवाते हैं। हमारे बस का कुछ भी नहीं, परम सत्ता जब जब चाहेगी जैसा चाहेगी, हम तो एक साधन मात्र हैं, हम उनके सेवक हैं, जैसा आदेश होगा हम उसका पालन करें। हमारे दाता गुरुदेव हैं, गुरुदेव के आदेश अनुसार ही एक कार्यक्रम चलता है। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात कि गुरुदेव की इच्छा के बिना कुछ नहीं होने वाला। गुरुदेव जिसको चाहते हैं उसको बुलाते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं नहीं बुलाते। कभी 2 बच्चे रहते हैं, कभी 4 बच्चे रहते हैं, कभी 10 बच्चे रहते हैं, कभी 5 बच्चे रहते हैं। कहने का मतलब कि जब तक गुरु की इच्छा नहीं होगी, दरबार में बुलावा, दरबार की तरफ से बुलावा आपको जब तक नहीं आएगा, हम नहीं जा सकते, चाह करके भी नहीं जा सकते। तो गुरु की कृपा के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। और ये कार्यक्रम सुबह 9 से 10 के बीच हर रविवार को चलता है। 9 बजे गुरुदेव की स्पीच लगाई जाती है, गुरुदेव अपने दर्शन की जानकारी देते हैं। सिद्ध योग क्या है, ये कैसे काम करता है मनुष्य के शरीर में, और मनुष्य का शरीर क्या है। गुरुदेव यहां तक कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में। गुरुदेव ने मनुष्य के शरीर को पिंड कहा है और पूरे ब्रह्मांड को उसमें समाहित कर दिया है कि जो भी बाहर है आपको सब अंदर से मिलेगा, अंदर दिखाई देगा जब आप ध्यान करोगे। मैं ज्यादा ना कुछ बोलते हुए निवेदन करूंगा, सिद्ध योग के बारे में जितना भी कहा जाए, जितनी भी चर्चा की जाए, समय कम पड़ जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी बच्चा आकर के मंच पर अपनी बात रखे, सिद्ध योग के बारे में बताए कि उनको सिद्ध योग के माध्यम से कितना लाभ हुआ है, वो कैसे सिद्ध योग को करते हैं, कैसे ध्यान नियमित करते हैं, ध्यान के दौरान कोई अनुभूतियां होती हैं, अनुभव होता है, यौगिक क्रियाएं होती हैं, वो भी बताए। आपका स्वागत है बुद्धि प्रकाश जी मीना की मीना जी आईडी की तरफ से हैंड रेज हुआ है, बच्चों का स्वागत है। जय गुरुदेव, अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कर लीजिए। जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव। आप सभी गुरुदेव के सेवकों का स्वागत है गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में। एक नया साधक इस मंच से जुड़ा हुआ है हंसते हुए। जय गुरुदेव। चलिए आप लोग अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव। आज मुझे अच्छा, आज कम लोग ही आए और मुझे आज ही बहुत सारी अनुभूतियां याद आई। हाँ बताइए बताइए। मैं मेरी पहले परसों की अनुभूति बताती हूँ। परसों मुझे ये दिखाया था कि मैं गुरुदेव से गुस्सा, मैं एक दिन ध्यान करने बैठी हुई थी तो मैं गुरुदेव से गुस्सा हो गई थी क्योंकि उन्होंने मुझे अनुभूति में ऐसा मुझे अनुभूति में दिखा था। तो फिर अचानक गुरुदेव हमारे ही घर में थे। मैं ध्यान करने के बाद पानी चली गई दूसरे कमरे में। मैं गुरुदेव से गुस्सा थी तो वो जहाँ बैठे थे वहां तो कहीं नहीं। फिर
अचानक से गुरते हुए बेहोश हो गए। फिर बहुत देर तक उनने आंखें नहीं खोली। फिर जैसे ही मैं उनके पास गई, उनने आंखें झटक से खोल ली। अच्छा, बोलिए बोलिए। और मुझे कल ये दिखा था कि गुफा में से एक रोशनी आ रही थी, जिसके अंदर गुरुदेव और मैं बैठे हुए थे। वो रोशनी एक दूसरी गुफा में गई और वहां पे दादा गंगानाथ जी बैठे हुए थे। दादा गंगानाथ जी और गुरुदेव, दादा गंगानाथ जी, जैसे वो रोशनी दादा गंगानाथ जी के अंदर गई, दादा गंगानाथ जी आधे हो गए और गुरुदेव उनसे उनके आधे हो गए। वाह 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 वाह, क्या क्या अनुभूतियां गुरुदेव आप लोगों को करवाते हैं। हम धन्य हो जाते हैं आप लोगों की अनुभूतियां सुन करके। और जो भी कल को वीडियो देखेंगे, देख रहे होंगे, उनको भी ये होगा कि नहीं, हमें भी सिद्धि योग अपनाना चाहिए। अब बोलते रहे बिटिया, बोलते रहे। जय गुरुदेव, बस इतना ही दिखाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोग सिद्धियों का ध्यान ऐसे ही करते रहिए, गुरुदेव का ध्यान ऐसे करते रहिए, और गुरुदेव के बारे में ऐसे ही अनुभूतियों को बताते रहिए। और आज मुझे ये दिखा कि एक छोटी सी गुरुदेव की फोटो थी, जैसे छोटा सा कार्ड होता है ना। जी जी, जो अपन प्रचार के लिए दे देते हैं। उस छोटे से कार्ड में सिर्फ और सिर्फ वैसे अक्षर तो दादा गंगानाथ जी की भी पिक्चर रहती है, गुरुदेव दोनों की रहती है, लेकिन उसमें से गुरुदेव थे। और मैं प्रचार कर रही थी तो मैं दे रही थी, जैसे मुझे लग रहा था कि गुरुदेव उसमें से खुद ही चल के जा रहे हैं प्रचार करने। प्रचार करने के दौरान आपके साथ थे गुरुदेव? नहीं, मैं जैसे को भी कार्ड दे रही थी तो मुझे लग रहा था गुरुदेव कार्ड में से खुद ही जा रहे हैं उनके पास। अच्छा अच्छा अच्छा, कार्ड में से निकल करके उनके पास, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव, बस बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। माई बिटिया का भी स्वागत है, कृपया मंच पे आइए, अपनी बात को रखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बेटा। आज मुझे ये दिखा, मतलब जैसे गुरुदेव किसी फोटो पे बैठे, मतलब जैसे कोई उनका आसन होता है ना व्हाइट कलर का, वैसा ही था, पीछे कोई सहारा नहीं था, वो बैठे थे और ना मतलब उनके ऐसे इतनी तेज पिंक कलर की रोशनी निकल रही, जैसे कोई वॉल के ना फटता है ना, तो इस टाइप की वैसे बहुत तेज रोशनी निकली थी। और दादा गुरुदेव से येल्लो कलर की वैसी बहुत तेज निकली थी। वाह भाई वाह, मतलब मेरी और मेरी कंसंट्रेशन पावर थोड़ी कम है, तो है ना, मतलब जैसे गुरुदेव ने मुझे बोला कि है ना, एक फोटो है मेरे पास गुरुदेव की, जो जिसको साइड में रख के फिर तुम पढ़ो तो तुम्हें याद जाएगा, यूं बोला गुरुदेव ने। जय गुरुदेव। वो कौन सी फोटो है, एक मिनट में लेके आती हूँ। आप दिखाइए, आप दिखाइए ये वाली। हाँ हाँ हाँ, ये वाली फोटो कब की है आप लोगों को जान करके खुशी होगी कि इस मुद्रा में, इस पोजीशन में जब गुरुदेव ने 2009 में दीक्षा दिया था, जब मंच बन रहा था, जबकि हमेशा पश्चिमी साइड पे गुरुदेव का मंच बना है सीमेंटेड, लेकिन उस बार पूर्वी साइड पे जहाँ पे अभी भी आप लोग गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हुआ था, भंडारा जहाँ पे लोग खाना खाए थे, उसके और पूरा एकदम अंतिम सिरे पे मतलब मंच बना था, गुरुदेव वो देखने जा रहे थे, ये तब की ये फोटो है। ऐसे हाथ में वो तौलिया लिए हुए, ऐसे जो मुद्रा है ना, जैसे मतलब वो तब की ये फोटो है। हम देख रहे, हम उस समय थे मौजूद वहां पे, ये फोटो लेकर के ऐसे डेवलप किया गया है। कल्की अवतार खुद अपना कार्यक्रम देखने जा रहे थे कि मंच कैसे बन रहा, कहाँ है, अगले दिन प्रोग्राम था।
बहुत बढ़िया, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोग अपना कोई टैलेंट है तो भी टैलेंट को दिखाइए, क्योंकि दूसरे बच्चे नहीं है आज। कोई टैलेंट है आपने, कोई फोटोग्राफी अगर फोटो बनाया हुआ है तो उसको आप दिखाइए, अगर या कुछ गुरुदेव के बारे में पढ़ना है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, अगर ऐसा कोई लेख है आपके आसपास। अंकल मैंने कुछ बनाया तो नहीं है, लेकिन मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ। जी जी, स्वागत स्वागत स्वागत। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, हे राम रमैया तू, हे कृष्ण कन्हैया तू। जय गुरुदेव। और बताइए, और गाइए, और सुनाइए, इतना ही याद है क्या? इसके आगे याद नहीं है? अच्छी बात, कोई बात है। अंकल मेरे को आता है। हाँ सुनाइए, आप दोनों लोग बैठकर सुनाइए, आप दोनों लोग साथ में सुनाइए। थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखिया मन की खोर, अखिया मन खोर, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। जय गुरुदेव, मेरे को इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। पहले ना धर्मेंद्र अंकल के सेशन में मैंने ये बोला था पूरा याद करके, लेकिन अब भूल गई मैं। जय गुरुदेव। चलिए चलिए, कोई आप लोगों का मतलब पोयम हो, कोई आपने पिक्चर बनाई हो गुरुदेव की, फोटो बनाई हो तो भी दिखा सकते हैं। मैंने आज लेकिन मुझे सपने में ऐसा दिखा था कि मतलब जैसे मैंने गुरुदेव की एक तरफ फोटो लगा दी, एक तरफ फोटो लगा दी, और अंदर बहुत सारे भजन लिख रखे हैं, और साइड में स्टेप कर रखी है, ऐसी मैंने बनाई हुई है। मतलब ऐसे ध्यान मतलब सोते टाइम पे दिखाता मेरे को। जय गुरुदेव, बहुत बढ़िया, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रवीना गुरबान जी, आपका स्वागत है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कुछ बातें अपनी रखिए मंच पे। जी गुरबान, सभी बच्चों को जय गुरुदेव, बहुत अच्छा सेशन आप लोगों का, और गुरुदेव भगवान ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे आप सब पर। और मैं बताना चाह रही हूँ कि आजकल जो है मीडिया के जरिए हमारे गुरुदेव सबके पास पहुंच रहे हैं, देश विदेश, और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और आने वाली मानव जाति जो है ना दिव्य रूप धारण करेगी, इसमें कोई भी शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो भगवान जिसको चाह रहे हैं हर एक जगह से जोड़ रहे हैं, देश से विदेश से, जो भी जिनकी समझ में आ रही है। और बहुत बढ़िया, गुरुदेव भगवान जो है हर एक जगह जा जाकर किसी न किसी माध्यम, कोई ना कोई माध्यम जरूर है, मीडिया है, यूट्यूब है, हमारा प्रोग्राम है, हर चीज जो है अपने लेवल पे, जो भगवान के लिए। भगवान जी बोलते हैं कि एक कल मैं देख रही थी कि 100 शिष्य जो है ना मेरे, 100 भी मतलब समर्पित हो ना, वो बहुत है पूरे विश्व के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा, वो बहुत है, बोला इतना ही बहुत है। बाकी जो 100 के जरिए जो और जो जिनको काम लेना होगा, भगवान ने पत्थरों से भी काम ले लेंगे। बिल्कुल, तो वो जो 100 शिष्य है वो भी ऐसे चाहिए कि कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं हो, कहीं कुछ नहीं हो, कि जो कुछ करना है बस भगवान के लिए करना है, माध्यम बनना है, किसी तक पहुंचना है, किसी तक हमारे गुरुदेव को पहुंचाना है। हो सकता है कोई ना कोई हमारे गुरुदेव भगवान का इंतजार कर रहा हो, तो ये हमारा होता तो काम प्रारब्ध के हमारे कर्मों का ही है, हमारे गुरुदेव से जुड़ना। लेकिन हो सकता है किसी को जरिया बनाना हो भगवान ने,
तो मैं सबसे अपने गुरु भाई बहन या छोटे मेरे शिष्य जो छोटे मेरे जो छोटे छोटे हमारे ये जो बैठे हैं हमारे गुरुदेव के शिष्य, तो उनको आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी लेके आइएगा, अपने गुरुदेव के बारे में बताइएगा, और जो इनके मम्मी पापा है वो भी बताए सबको, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे गुरुदेव का प्रचार होगा, और वैसे ही हमारा जो है भारत का भी विकास होगा। तो ये तो गुरुदेव भगवान बोलते ही है। तो जो भी आ रहे हैं उनका सबका बहुत अच्छा बच्चे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए बच्चों। और एक अलग ही जो एनर्जी होती है ना भगवान का नाम लेकर, वो अलग ही चीज है, वो आप उन बच्चों में, आप में और उनमें यही फर्क मिलेगा, सामान्य बच्चों में और जो सिद्ध योग से बच्चे जुड़े हैं ना, हर एक चीज में आपको फर्क नजर आएगा, आपकी आपका मेमोरी लेवल, आपका डिसिप्लिन, आप अनुशासन में रहते हैं, पता है, आप हर एक चीज से जो है ना आपकी जो अंदर छोटी छोटी कमियां है ना वो गुरुदेव भगवान अपने आप निकाल देते हैं, निकाल। और एक समय आता है जब आप पूर्ण रूप से जो भगवान को जैसे अपने गुरु को मानते हो ना, वो पूर्ण जो पूर्ण रूप से विश्वास करते हो वो आपको होने लग जाएगा कि जो कुछ करेंगे मेरा भगवान करेंगे और मेरे गुरुदेव करेंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब भगवान से ऐसे ही जुड़े रहिएगा और प्रचार कीजिएगा, अपने छोटे छोटे जूनियर्स को, अपने साथी को ज्यादा से ज्यादा लेकर आइएगा। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव के तो ऐसे मतलब जीता जागता उदाहरण हम लोग ही हैं, और चमत्कार और कृपा का तो हम कितना वर्णन करें। बच्चों से थोड़ा सा टैलेंट ले लेते हैं, उसके बारे में एक मैं अपना मुझे पता भी नहीं था पीके भाई साहब, मैंने फेसबुक पे मैं ऐसे ही रील्स भगवान की बना बना के लगा देती थी, एक दिन देखा 1000 फॉलोवर्स और देश विदेश में गुरुदेव भगवान की रील ऐसे मतलब चली गई। मैंने कहा अरे मैं तो इनोसेंट वे में डाल रही थी, लेकिन ये तो भगवान ने चमत्कार कर दिया। सुबह उठ के देखा तो इतने सारे वो आए हुए और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंची हुई, और राजस्थान तो सारा कवर कर लिया उस रील ने, गुरुदेव भगवान की रील थी वो, और उसने राजस्थान पूरा कवर कर दिया उसमें। मैं देख रही, फिर मैंने कहा ओ तो भगवान इनोसेंट वे में भी ये चीजें हो जाती है, मुझे नहीं पता था कि इतनी मतलब वो पहुंच जाएगी जगह जगह। तो भगवान में वही कहते, वो बात याद आती है मेरे को, काम लेना होगा ना तो पता भी नहीं चलेगा कैसे काम ले लेते हैं गुरुदेव भगवान। यही कहना था, जय गुरुदेव गुरु भाई। बिल्कुल बिल्कुल गुरबान, आप बने रहिएगा। एक मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा आप सभी को, तब तक बच्चों का टैलेंट ले लेते हैं। आप लोग रखिए अपना टैलेंट, रखिए कृपया प्लीज। जी आप बोलिए, आपने गुरुदेव की जो पिक्चर बनाई है ये मतलब गुरुदेव जब अपनी स्पीच दे रहे हैं तब की बनाई है, वही है ना? आपने तस्वीर लगाई है क्या है? तस्वीर लगाई है। हाँ तस्वीर आपने लगाया, लेकिन बहुत यूनिक लगाया है, बहुत बढ़िया तस्वीर आपने लगाई, जो सेलेक्ट आपने किया सिलेक्शन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। गुरुदेव स्पीच दे रहे हैं मंच पे बैठ करके, गुरुदेव को आपने कमल पे बिठा रखा है, आपने बगल में क्या लिखा है वो भी आपने कुछ चिपकाया हुआ, तो उसको पढ़िए। आपको सिर्फ नाम जप पर ध्यान करना है, आगे की ड्यूटी गुरु की, आगे की ड्यूटी गुरु की। हमें इस चीज को बार बार कहते हैं कि सिद्ध योग में गुरुदेव कहते हैं कि आपको नाम जपना है, ध्यान करना है, बाकी आपकी छुट्टी, अगर मेरे में गुंजाइश है तो आगे का काम शुरू हो जाएगा, उसके बाद गुरु कार्य शुरू हो जाता है, हमें बस नाम जपना है, ध्यान करना है, परिणाम की हमें चिंता नहीं करनी।
जी माई बेटी, आप अपना भी दिखाइए, आपने क्या बनाया है? पहले बनाया था, अभी तो एग्जाम्स आ गए इसलिए। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। इसमें गुर्दे बहुत कुछ आपने बना रखा है, वाह वाह वाह। वो जो लिखा हुआ आपने चिपकाया है, थोड़ा सा उसको कैमरे के सामने लाइए, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। विक्की जी, जो क्योंकि आप रखिए कैमरा, हम अपने आप ले लेंगे, आप बस सामने रखे रहिए इसको। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यम परम मंगलम, शिष्यस्य परम मंगलम, सारे शिष्यों का परम मंगल करने वाले गुरुदेव की कृपा ही है। और इसमें वो मंत्र दीक्षा वाला नंबर भी दिया हुआ है, योगी क्रियाएं वाला भी फोटो है, बहुत कुछ है। गुरुदेव के दरबार में शिष्यों की भीड़ भी है, मतलब एक ही तस्वीर में आपने सब कुछ दर्शा दिया है, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा अपने बारे में, गुरुदेव की जैसे अभी फिलहाल रिसेंटली जो कृपा हुई है, गुरुदेव भगवान कैसे कृपा करते हैं अपने शिष्यों पे, उसको थोड़ा बताना चाहूंगा। अभी मैं बिटिया की शादी अभी जब मई में गया था, तो 2-3 साल से मैं ऐसे ही साइलेंटली ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे मन में यह था। अच्छा बिटिया के ले लेते हैं, फिर बताता हूँ। चलिए आप दिखाइए बिटिया। हाँ दिखाइए दिखाइए दिखाइए, बाबा आप अपना कैमरा भी अनम्यूट करें। हाँ वो सॉरी माइक माइक। हाँ आपने क्या ऊपर लिखा उसको पढ़िए। मेरी हर दुख गुरु में ही समर्पित है, मेरे गुरु की लीला अपरंपार है, मेरे गुरु ने ही सारी सृष्टि बनाई है, मेरे गुरु को वही वेश शिष्य पसंद है जो नाम जप और ध्यान करता है। बहुत बढ़िया, मेरे गुरु को वही शिष्य पसंद है जो नाम जप और ध्यान करता है, गुरुदेव को भी यही पसंद है, बहुत बढ़िया। और कुछ है दिखाइए। बहुत कुछ आपने लगा रखा है, गुरुदेव दादा गुरुदेव, दादा गुरुदेव को आपने बनाया भी है, गुरुदेव को भी बनाया है फूलों पे, गुरुदेव की स्पीच वाली तस्वीर है, दादा गुरुदेव हैं, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। ये होना चाहिए शिष्य का भाव कि अपने तरफ अपने इर्द गिर्द सिर्फ गुरुदेव ही गुरुदेव। तो मैं भी गुरुदेव की कृपा के बारे में बता रहा था। बिटिया की शादी कर दी क्या गुरु भाई? रिया की कर दी? नहीं नहीं गुरु, वो बड़ी वाली, उससे बड़ी जो है, उसकी कहानी सुनिए ना, आपको आश्चर्य होगा। जबकि लड़की वाले लड़के के यहाँ जाते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ है कि वो रिश्ता चल करके आया है। मेरा भांजा जो मुझे लेकर गया था 2005 में गुरुदेव के दरबार में, वही बोला कि मामा एक रिश्ता है, मैंने देखा है, मुझे तो बहुत पसंद है, आप भी एक बार देख। तो भाई मैं तो कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मेरे गुरु का आदेश होगा तो मैं चलूंगा। मैं फिर प्रार्थना किया, ध्यान किया, तो जैसे एक नहीं महसूस होता कि अंदर से कोई बोल रहा है कि चला जाके देख ले, ऐसा महसूस होता है, हमें आभास हो जाता है गुरबान। मुझे महसूस हुआ, फिर मैं अपनी वाइफ से बात किया कि ऐसा ऐसा है, बोलती है कि आप एक बार चले जाओ देख लो ना, जब वो बोल रहे हैं तो आपके तो रिश्तेदार हो, आपका भला ही चाहेंगे ना। और गुरबान मैं जब गया ना, उनकी व्यवस्था देख करके तो मैं नीचे ऊपर अपने आप को देख रहा था, फिर उनको देख रहा था कि इतने बड़े लोग मेरे यहाँ रिश्ता करेंगे, संभव ही नहीं है। लेकिन जैसे ही चर्चा चली, अब पता नहीं किसकी जुबान पे गुरुदेव बैठे
कि इसके मन में क्या था, ओ मतलब रिश्ता होके हो गया। इतने बड़े लोग है गुरुपाल, इतने बड़े लोग जिसके यहाँ 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए मतलब आप रेंट के पैसे आ रहे हो। अरे हमारे गुरुदेव से 3-3 लाख तो उनको हमारे गुरुदेव से बड़े कौन है? कोई नहीं तो वो करवाने वाले हैं। अब वो शादी तय हुई है और 2 दिसंबर को बनारस में शादी हो रही है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। और शादी हो, इतने बड़े लोग हैं गुरुपाल, उनका कहना है कि दिल्ली में भी हमारा मकान है, बनारस में भी है, दिल्ली में हम शादी करेंगे 23 नवंबर को, और शादी में सिर्फ आपका परिवार हमारा परिवार रहेगा, और जिसको बुलाना है आप बहु भोज पे बुलाइए बनारस में 2 दिसंबर को। बताइए और क्या चाहिए? इतने सिंपल लोग और इतने बड़े आदमी, इतने अमीर लोग जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अरे उनको पैसा थोड़ी चाहिए कि नहीं, उनको बच्चा चाहिए, उनको पैसा थोड़ी चाहिए, उनको परिवार चाहिए, पैसा उनके पास बहुत है। हाँ उनका कहना है कि हमें तो जो हम खोज रहे थे MBA पढ़ी हुई लड़की वो आपकी मिली, हमने तो रिश्ते बहुत देखे लेकिन तो उनके पास पैसे की कमी थोड़ी ना है, वो लोग दहेज थोड़ी चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं, परिवार चाहते हैं। दहेज की चिंता पे जीरो भवन कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड ही नहीं है। ऐसे ऐसे भी परिवार है, ऐसी बात नहीं है, गुरुदेव भगवान ने मिलवाया है तो ऐसे भी परिवार है। उनका बस एक ही कहना था कि जो ऐसे रिसेप्शन पे हमारे 10-15 लोग जो हैं उनका बस आप स्वागत कर दीजिएगा जैसे कपड़े का लेन देन। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मैं क्या दे पाऊंगा, मुझे नहीं मालूम मेरा स्टैंडर्ड क्या है, अगर मैं कुछ पसंद करके देता हूँ उनको पसंद आए ना आए तो मुझे एक लमसम अमाउंट बता दीजिएगा, मैं दे दूंगा। हाँ, बिल्कुल। आप फिर अपने हिसाब से उनको दे दीजिएगा, उसके लिए भी वो राजी हो गए। क्या करता है लड़का? हेलो, हेलो, आई होप कि वहां पर नेटवर्क इश्यूज है। जय गुरुदेव। विक्की भाई मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत है गुरुपाल अभी तो। हाँ, लड़का MBA करके किसी अमेरिकन कंपनी में ऑनलाइन मतलब वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में भी उनकी कंपनी है। ओके, अब शादी होने के बाद ये लोग दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे और उनके क्या चाहिए? मदर फादर बनारस में रहेंगे, लड़का आ जाएगा दिल्ली। हमारे गुरुदेव दिल्ली में काम करवाते हैं, दिल्ली में किसी कंपनी में काम कर रही है, घर बैठे काम करवाते हैं गुरु भाई हमारे। तो सब गुरुदेव की कृपा से हुआ, मैं तो कहीं गया ही नहीं शादी के नाम पे। आपको गुरुदेव कई लोग बोल रहे यार भाई बच्ची की शादी कब करोगे, जब वो गुरुदेव की इच्छा होगी कर लेंगे। नहीं नहीं गुरुदेव घूम रहे हैं ना, आपको बड़ा घमंड है अपने गुरुदेव पे। मतलब घमंड क्या सर, मैं जिंदा, अगर मैं जिंदा हूँ मेरी आप मुझसे बात कर रहे हो तो उन्हीं की देन है, मुझे घमंड नहीं होगा तो आपको होगा क्या? आप नहीं समझ पाते हमारे गुरुदेव क्या चीज है। आपको नहीं घूमना गुरुदेव, ऐसे ऐसे लीला रचते हैं समझ से परे कभी कभी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, वही रिश्ता भी आपके घर भिजवाते हैं कि जा बेटा देख ले। अब देखो गुरु भाई एक और बात मैं भी बताना चाहूंगी, उससे 5 साल छोटी है बहन। हाँ अच्छा अच्छा, रिया का तो अभी टाइम बड़ी वाली में और रिया 5 साल का गैप। अच्छा गुरु भाई, पीके भाई और ये विक्की भाई है जो बैठे हैं, गुरुदेव की कृपा है। मेरा ट्रांसफर का, आपको मेरी आवाज आ रही है? जो महिमा है गुरुदेव, जो सोचते हैं हमारी सोच से बहुत परे है, हम उतना सोच ही नहीं सकते कि शिष्यों का कैसे कल्याण करते हैं गुरुदेव। ओके गुरु भाई, मैं भी बताना चाह रही हूँ, ये अभी जो पॉलिसी आई है हमारे ट्रांसफर की और गुरु भगवान ने जो भी, आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी आ रही है। हाँ, गुरु भगवान ने सारी पॉलिसी ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही बनाई है पर्टिकुलर। जो
एक एक चीज, एक एक लाइन जो है स्पाउज है, पर्टिकुलर वही प्लेस पे जाएंगे जहाँ स्पाउज है, और एक एक चीज मैं क्या बताऊ ना कि हमारी समझ से परे है कि ऐसा पहली बार हुआ है जो ऐसी पॉलिसी चेंज हुई है। और मुझे तो पता है ये तो भगवान की पॉलिसी है, ये किसी सरकार की नहीं है, तो मैं जो भी फेवर में हो रहा है भगवान ने सच में एक एक चीज ऐसा पॉइंट मेरे लिए कोई माइनस पॉइंट इन्होंने किया नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा मानना है। अब वो रखे कहाँ लेके जाए वो मुझे नहीं पता, बट जो इन्होंने तैयार कर रखी है गाइडलाइन वो सब मेरे लिए, अब आगे जल्दी ही भगवान सुनेंगे, बस यही कहना चाह रही हूँ। इनके चमत्कार के आगे सब कुछ परे है, सारी चीजें इनकी नॉलेज में है, इनकी योजना अलग होती है, हम थोड़े टाइम के लिए सोचते हैं, ये लंबे टाइम के लिए सोचते हैं, बस विश्वास रखिए। मैं इंतजार करती हूँ इनका बहुत, लेकिन उस इंतजार की घड़ियों में इतना बढ़िया देते हैं कि वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मुझे दिया सब कुछ लेट, ऐसी बात नहीं है कि तुरंत मिल गया, लेकिन ऐसा दिया मोहर लगा के दिया, ऐसा दिया भगवान ने कि बिल्कुल पक्का काम करके देते हैं, भगवान की मोहर लगा के देते हैं, देते जरूर लेट है, लेकिन मैं इंतजार करती हूँ इनका, इनके फैसले का, इनके फैसले का हमेशा इंतजार रहता है मुझे, लेकिन ऐसा देंगे भगवान। और मैं सबसे ही कहूंगी अगर भगवान के फैसले पे चलोगे तो ऐसा देंगे सबसे जो डिफरेंट होगा, अलग होगा बिल्कुल, हर एक चीज जो भी मेरा काम बनवाते हैं, जो भी मुझे मिलता है क्रीम मिलता है बिल्कुल, मैं इसीलिए भगवान के फैसले पे मैं बिल्कुल अटल हूँ, अडिग हूँ कि भाई जो है मेरे भगवान ने जो जैसे रखे जहां रहे और जहां भेजेंगे और जो कुछ करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो बहुत बढ़िया जो है ना मेरे भगवान, मेरे बादशाह जो है ना इतना अच्छा सोचते हैं कि मैं तो सबको यही कहना चाहूंगी कि अपने फैसलों पर ये थोड़ा सा डगमगाइए मत, भगवान पे विश्वास रखिएगा, इंतजार कीजिएगा कि उनका फैसला जो है सर्वोत्तम होगा, बस यही कहना चाह रही हूँ गुरु भाई। तो बस अभी जो भी फैसला होगा सर्वोत्तम होगा वो मुझे पता है, शायद अगले महीने तक ये मुझे बिठा देंगे रिवाड़ी बस मुझे विश्वास है पूरा, क्योंकि इनकी इन्होंने गाइडलाइन मेरे लिए बनाई है सारी, अब ये लेके जाए कहा वो भी नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल कुर्बान, मेरा निवेदन है शाम वाले कार्यक्रम में भी यही अनुभूति को आप रखिएगा। मैं सोच रही हूँ वहां आकर ही रखूं सारी चीजें, मैं जब भगवान भेज दे तभी बताऊं। मैं सरप्राइज ही बताऊं तो ये चीजें बताऊंगी सारी, ऐसा नहीं है आऊंगी मैं, भगवान के चमत्कार तो क्या पता क्या क्या है, वो तो मैं खुद ही अनुभव करती हूँ बहुत सारे, तो सच है इतने अच्छे चमत्कार है और इतनी अच्छी अच्छी अनुभूतियां होती है, भगवान तो इनका क्या गुणगान करे, जब जिसको कहते हैं ना सुप्रीम पावर जिसके साथ है वो क्या किसी को क्या बताएगा, बताओ बताने के लिए क्या रह जाएगा, जिसके साथ सुप्रीम पावर है और जिसको समझ में आ गया कि इनके बिना कुछ पत्ता तक नहीं हिलेगा, तो उसमें बताने लायक रह ही क्या जाता है, वो तो अंदर की खुशी होती है। गुरुबन हमारे पास शब्द ही नहीं होते कि किन शब्दों का से हम बखान करें। बस वही है, भगवान का क्या बखान करेंगे हम, भगवान बता ही नहीं पाएंगे उनके बारे में, हमारी हिम्मत ही नहीं है कि हम, लेकिन अंदर जो खुशी होती है ना उसको एंजॉय करते हैं बहुत, कि भगवान कितने लकी है कि आप मिले और इस तरह से हम जो है ना एंजॉय कर रहे हैं, वो अंदर ही अंदर वो खुशी है ना बहुत, तो ये चीजें सबको समझ में आनी चाहिए। वही मैं गुरुदेव भगवान कहते हैं 100 शिष्य भी ऐसे होंगे ना जो इसने सरेंडर कर दिया वही काफी है, बहुत है वो। तो अभी एक दिन पहले की बात है गुरबान, किसी सेशन में मैं ट्विटर पे गुरुदेव का भजन सुना रहा था, तो जैसे ही भजन मतलब मेरा ये होता है कि भजन गाने से पहले गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव इसको बस पूरी तरह से निभा लेने दीजिएगा, क्योंकि मेरे भाव आप समझते हैं जानते हैं, मैं तो इतना भावुक हो जाता हूँ कि लास्ट में मुझे रोना आ जाता है,
तो ठीक है, अपना मंच जो है वहां पे तो लोग जानते हैं कि नहीं भाई ये गुरुदेव का भजन गा रहे, भावुक हो जाते हैं, रोते हैं, लेकिन जो अनोन लोग हैं उनको तो ये नहीं महसूस होना चाहिए। तो लास्ट में वो उनका कहना था कि भाई साहब आप इतने भाव से गाते हैं कि हमें इतना अच्छा लगता है, आप गुरु वंदना के अलावा कुछ गाते ही नहीं, दूसरे भी रो पड़ते हैं। इतना भावपूर्ण होता है कि जैसे लगता है कि सुनते रहो। और मैं प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव बस पूरा हो जाए। वो भाव ही है। मैं भी कोई ऐसे जैसे गुरुदेव की वीडियो आ जाती है अपने आप रोने लग जाती है, ये भाव होते हैं हमारे, आंसुओं के जरिए निकलते हैं वो। गुरुवार तो लोग दुख में रोते हैं, हम लोग सुख में रोते हैं, हम सुख में, वो आंसू अपने आप आ जाती है, वो अनायास ही हमारे को वो खुशी होती है, वो भगवान से वो जो जुड़ना होता है ना वो अनायास ही निकलता है। अच्छा ये ट्विटर का जो मैं खोलती भी नहीं कभी, ब्लू टिक आया हुआ उसपे मैंने देखा ओपन करके, अरे मैं तो कभी देखती भी नहीं वो ब्लू टिक, मतलब उसमें सिर्फ गुरुदेव के ही ट्वीट रहते हैं मेरे और कोई नहीं रहते, वो भी काफी दिन से मैंने खोला तो मैंने पूछा यही होता है क्या ब्लू टिक, सब ये कहते हैं ट्विटर पे ब्लू टिक आ गया ब्लू टिक आ गया, और हमारे तो गुरुदेव ब्लू टिक पे बैठे हैं, तो लोग पैसे दे करके लेते हैं उसको। अरे मेरे पे कितने दिन से ऐसे ही टिका हुआ है वो, और सिर्फ और तो, मुझे वो तो सब गुरुदेव करवाते हैं ना, हमें क्या जरूरत है किसी को पैसे देने के लिए, आप टिक दो ना दो अपने क्या फर्क पड़ता है। मुझे पता ही नहीं, मैं तो ऐसे ही ओपन करके देख लिया, फिर किसी से पूछा यही ब्लू टिक होता है क्या, मेरे प्रोफाइल पे ब्लू टिक है, बोले हाँ बहन यही तो है। मैंने कहा अच्छा, वह पता नहीं भगवान अपने आप ही बैठ जाते हैं, जिसको जो टिक लेना होता है भगवान को खुद ही लेना, किसी की जरूरत नहीं है किसी के सामने हाथ फैलाने की या पैसे देने की, पैसों का तो कोई काम ही नहीं है भगवान के इसमें। पैसों का तो गुरुदेव बोलते है कि भैया मैं मुझे कितना आ जाएगा संतुष्ट हो जाऊंगा, पैसे से किसी की भूख मरी है क्या भाई, हमारे गुरुदेव ने कभी पैसे के लिए इतना प्रयास नहीं किया तो ये हम क्या, और वो बिना मांगे ही दिए जा रहे, क्या पैसा क्या चीज, सब कुछ तो सारी चीजें तो अवेलेबल है, फिर क्या मांगने की क्या जरूरत है किसी से। वही मैं कल एक रील्स डाली थी, बहुत बढ़िया था कि जो कुछ मांगना है या भाई रोना है या अपने भाव दिखाने हैं सिर्फ अपने भगवान को दिखाइए, दुनिया के सामने कहने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। एक बार सरेंडर होके भगवान को बोल दोगे ना सुनेंगे तो भाई, पता नहीं दुनिया को मैसेज देना चाह तो रहे हैं, वो कब तक पहुंचेगा वो कैसे पहुंचेगा वो तो भगवान ही जाने। जी बिल्कुल ठीक है गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा बात करके, धन्यवाद आपका गुरबान। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है, अगर किसी को और कोई बात रखनी तो स्वागत है, नहीं तो गुरुदेव के श्री चरणों में कार्यक्रम को समर्पित करेंगे। बुद्धि जी के बच्चे हैं कि निकल गए, चले कोई बात, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर लें, गुरुदेव के श्री चरणों में जयकारा लगाएंगे और कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। जय गुरुदेव आप सभी को, जय गुरुदेव। बोलिए कल की अवतार की जय हो, जय हो कल की अवतार की जय हो, गुरु सियाग की जय हो, गुरु सियाग की जय हो, दादा गुरु की जय हो, दादा गुरु की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस विश्व का कल्याण हो, इस विश्व का कल्याण। प्रेम से बोलिए कल की अवतार की जय हो, जय हो, जय गुरुदेव, जय दादा, जय गुरुदेव, जय।